Good morning everyone, I'm Akanksha and today I'm going to tell you about the price fixation by government. What is the role of government in determination of price and quantity? Now children, have you wondered that how the basic necessity items like vegetables, milk, sugar, rice, wheat, these are all your requirements of daily life. Don't you think that you get them at a more reasonable price in the market? How is it possible? Why is a seller not willing to sell it at a higher price? क्या आपने कभी सोचा है कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप लोग खाते पीते हैं, जो गेहूं है, अनाज है, सब्जियां हैं, आपके घरों तक के आती हैं, वो इतनी रीज़नेबल अमाउंट पे कैसे आती हैं? और अगर ज़रा सी भी महंगी हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, सरकारें गिर जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? अभी कुछ साल पहले सुना होगा आपने कि बीजेपी की गवर्नमेंट प्याज के रेट के कारण गिर गई। वॉट वॉज दैट? ऐसा क्यों हुआ और गवर्नमेंट का क्या रोल है? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और इस चैप्टर से समझेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है चीज़ों की कीमतें रखने में। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट अगर बेसिक नेसेसिटी वाले आइटम्स आप तक के, जो कॉमन पब्लिक है उन तक के रीज़नेबल अमाउंट में नहीं पहुंचाएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी गवर्नमेंट गिरने के भी चांसेस हैं और कस्टमर कभी, और जो आम जनता है वो कभी सेटिस्फाई नहीं रह सकती, इजंट इट? और ये रोज़ की चीज़ें हैं, दे हैव टू बी एट अ नेसेसिटी शुड बी प्रोवाइडेड विद अ रीजनेबल अमाउंट। नाउ गवर्नमेंट किस तरह से प्राइजेस फिक्स करती है? आप लोगों ने सुना होगा राशन शॉप्स होती हैं, कंट्रोल प्राइजेस होती हैं। तो पहला जो होता है कंट्रोल प्राइस, कौन बनाता है? गवर्नमेंट। ये कंट्रोल प्राइस क्या चीज़ होती है? कंट्रोल प्राइस एक, जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, और इक्विलिब्रियम प्राइस वो होती है जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलता है, ठीक है, एक ही हो जाता है, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस, उस पर कीमतें तय होती हैं। लेकिन कंट्रोल प्राइस वो प्राइस होती है जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। और ये कौन बनाता है? गवर्नमेंट। फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट, बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, विच इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर मार्केट में शुगर की कीमत 50 या 60 रुपीस पर केजी है तो कंट्रोल प्राइस यानी जो गवर्नमेंट की शॉप्स होंगी, राशन शॉप्स होंगी गवर्नमेंट की, उसमें 60 से कमी होगा, मे बी 40 हो, मे बी 30 हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बेनिफिट किसके लिए करी? कंज्यूमर के लिए, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं राशन शॉप्स ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे राशन कार्ड से ही परचेजिंग होती है। इवन आपके शहर में भी आप देखेंगे फैमिली बाजार्स हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए होते हैं, दे आर ऑल कंट्रोल्ड प्राइस, ओके, दे हैव कंट्रोल्ड प्राइस। तो पहली प्राइस जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है वो कंट्रोल प्राइस होती है। अब सेकंड टाइप की जो प्राइस गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है वो है किसके फेवर के लिए कर रही है? वो करेगी सपोर्ट प्राइस फॉर द फेवर ऑफ प्रोड्यूसर। अगर चीनी या शुगर की कीमत 40 रुपये पर केजी रखती है तो हो सकता है फार्मर को इसमें लॉस हो, तो उनके सपोर्ट के लिए वो सपोर्ट प्राइस बनाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स। जिससे उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स सपोर्ट प्राइजेस गवर्नमेंट ये भी करती है, और ये जनरली हायर होती है, वो बिलो होती है इक्विलिब्रियम प्राइस से, ये हायर होती है, विच इज हायर,
than the equilibrium price. क्योंकि अगर पूरा कंज्यूमर के लिए अगर होगा, अगर कंज्यूमर के लिए वो कीमतें कम करती है तो प्रोड्यूसर के लिए वो थोड़ी सी हायर भी रखती है। उससे होता क्या है कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जितना मार्केट में प्रोड्यूसर सेल कर लेता है, ठीक है, नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट खरीद लेती है और वो अपना बफर स्टॉक रखती है, ठीक है। तीसरी टाइप की प्राइस होती है, ये पहली है कंट्रोल प्राइस, सेकेंड इज सपोर्ट प्राइस एंड थर्ड इज ड्यूअल प्राइस। ड्यूअल प्राइस भी एक तरह का सिस्टम होता है जो बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों के लिए होता है, ठीक है। सो ड्यूअल प्राइस सिस्टम इज फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर और इसमें आप एग्जाम्पल बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन एक कार्ड बनता है और उसके हिसाब से कार्ड होल्डर को कंट्रोल प्राइस दी जाती है। ऐसे एक प्रोड्यूसर के लिए कार्ड बनता है जिसके लिए सपोर्ट प्राइस दी जाती है। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ कंट्रोल प्राइस एज वेल एज सपोर्ट प्राइस, ओके। एंड यू गेट द थिंग्स इन द ओपन मार्केट। सपोर्ट टाइप की जो प्राइस होती है वो होती है टोकन प्राइस। टोकन प्राइस आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे चलते हैं। जब वो फीस नहीं चार्ज करते हैं एंड दे डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द पेशेंट्स आल्सो, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द टोकन प्राइस। गवर्नमेंट एक तरह का बहुत मिनिमम अमाउंट रखती है जिससे आम जनता को, खासकर जो बिलो पावर्टी लाइन है या दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द सर्विसेज, दे कैन यूज दिस टोकन प्राइस, ओके। एंड दैट इज कॉल्ड, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, ओके, उसे कहते हैं टोकन प्राइस। एंड इसमें इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी मिनिमम, जितना एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उससे भी कम चार्ज होता है टोकन प्राइस में टू बेनिफिट द जनरल पब्लिक, ओके। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ प्राइजेस। एंड इवन यू हैव सीन योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज़ पीडीएस, जो राशन शॉप्स होते हैं उनको पीडीएस कहते हैं, जहाँ से राशन लोगों को एक कार्ड के थ्रू मिलता है, राशन कार्ड के थ्रू मिलता है, दैट इज़ बिलो फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप। सो दीज आर ऑल द वेज, दिस इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ इट डिटरमाइंस द प्राइजेस एंड क्वान्टिटी ऑफ द कमोडिटी। Hope this chapter is clear to all of you. Thank you so much.